नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि गूगल ड्राइव क्या होती है। चलिए फ्रेंड्स, आप गूगल ड्राइव के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आपको आपकी बहुत सारी फाइल ऐसी होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, जिन्हें आप सेव करना भूल जाते हो, और आपका फ़ोन यदि रीसेट हो जाता है तो आप उसे कैसे बैकअप ले सकते हो। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि जो फाइल होती हैं या नोट्स होते हैं आपके जो ज़रूरी, वो आप इसमें सेव कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो जैसे आप अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करोगे, सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे स्टार्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, प्लस के आइकन पर आप कोई भी पहले एक फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सबसे पहला वाला ऑप्शन है फोल्डर। तो इस फोल्डर को ठीक है फ्रेंड, ये फाइल नाम पर मैंने क्रिएट कर दिया फ्रेंड्स। ये बन गई हमारी फाइल। इसका कलर भी हम फाइल का चेंज कर सकते हैं कि हमने किस कलर में ये फाइल डाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जाके थ्री डॉट पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा है चेंज कलर, तो कलर मैं फ़िलहाल इसका ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ब्लू कलर की फाइल हो चुकी है। अब इसे ओपन करके देखते हैं, इसमें फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें फ़ाइल को ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, ऐड करने के लिए हमें अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, फाइल मैनेजर में आने के बाद में आपको, जैसे कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करते हो, फोटो या वीडियो, कोई भी ऐसी एक चीज़ शेयर करते हो, तो उसे शेयर करने के बाद में वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा गूगल ड्राइव का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक कोई भी एक ऐसा फ़ोटो या वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सेंड करने का सिंपली ऑप्शन आ रहा है। अगर नहीं आता तो आपके बैक करके भी यहाँ से आप सेंड कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो मैं सिंपली इसे ओपन करके ही सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए सेंड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सेंड के ऑप्शन में आपको इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, अपलोड टू फोटोज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फोटोज़ का भी एक गूगल फोटोज़ है, वहाँ से भी आप इसे अपलोड कर सकते हैं, और या फिर गूगल अपने ड्राइव में सेव करने के लिए, तो सेव टू गूगल ड्राइव में जाके इसे सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये अपलोड होने लग जाएगा और आप यहाँ से अपने फाइल का नाम भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक सिंपली छोटा सा नाम दे देता हूँ ए के, और ये हमारी फ़ाइल बन गई। तो ये फोल्डर, यहाँ से फोल्डर भी इसका चेंज कर सकते हैं गूगल माई ड्राइव में। ठीक है, ये फाइल जो मैंने अभी फाइल क्रिएट किया था, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में सेव कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद में अब इसे गूगल ड्राइव में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे अपलोडिंग पॉज वेटिंग फॉर वाईफाई। तो फ्रेंड्स, ये इंटरनेट का इंतज़ार कर रहा है, और सीधा ही बैकग्राउंड में ये शायद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब चलिए दिखाता हूँ मैं आपको गूगल ड्राइव में जाके कि ये आया है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसे वेटिंग फॉर वाईफाई का, यानी कि ये मेरा वाईफाई का सेटिंग्स हो रहा है, तो इसलिए वाईफाई का वेट कर रहा है। तो मैं सिंपली इसे जाके ओपन करके डायरेक्टली अपलोड कर देता हूँ। ये देखिए अपलोड का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, मैं इसी पेज पर क्लिक कर दूँगा और ये इंटरनेट से ही हो जाएगा। तो आपको याद रहे कि इसका आप यदि आप इस काम को करते हो, तो आपका इंटरनेट चालू होना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में ये देखिए, ये मेरी फाइल खुल जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, फाइल यहाँ पर खुल चुकी है। तो इस तरीके से हम फाइल को इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी गाना ऐड कर सकते हैं, कोई भी अपनी ईमेल आईडी, डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोस्तों हमारे डाटा के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो हम इसे ऐड कर लेंगे तो हम कभी भी इसे भूल नहीं पाएंगे, और कभी भी इसे निकाल सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।